ठीक है। और उस सेक्शन में क्या है, हम लोगों को हमारी टीम जब आप लोगों को क्लाइंब कर रहे हो उसी सेक्शन से बार बार आप लोगों को ऊपर नीचे आना जाना है, ठीक है, तब रोप फिक्स करते हैं। क्लियर? इतना मालूम हो गया? रोप फिक्स कहाँ करते हैं? डिफिकल्ट सेक्शन में, स्टीप सेक्शन में, और उस सेक्शन में क्या है, टीम को बार बार अप डाउन जाना है या इक्विपमेंट ऊपर ले जाना है, टीम को ऊपर जाना है, रोप फिक्स करते ऊपर करना है, ऊपर जाके स्टे करना है, ठीक है, क्लाइंब करके फिर उसी सेक्शन से नीचे आना है, ठीक है। जब रोप फिक्स करते हैं तो वो लोग कौन होते हैं, जो रोप फिक्स करने वाले जो लीडर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, टेक्निकल थोड़ा इनको ज्यादा वो आता है, ठीक है, क्लियर। ओके, जब हम लोग जब क्लाइंब रोप फिक्स करना चाहते हैं तो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। रोप फिक्स करने के लिए कहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, स्टीप सेक्शन में, एक स्टीप आइस बॉल या रॉक फेस में। अभी आप लोगों को रॉक फेस मिल रहा है या आइस बॉल है यहाँ पे, ठीक। तो आप लोगों के पास कौन कौन से इक्विपमेंट्स होने चाहिए, सबसे जरूरी आइस पिटन, एक्स कैरबिनर, क्रैम्पॉन। आप लोग पहले प्रिपरेशन आप लोगों की बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे आप लोग कल भी कर रहे थे, टू पिटन क्लाइंबिंग कर रहे थे तो आप लोग डबल एक्स यूज कर रहे थे, ठीक है, क्लियर। तो जब फर्स्ट पर्सन जाएगा तो इसके अपने इक्विपमेंट आगे ले जाएगा, यहाँ पे रोप फिक्स करेगा, एक पिटन लगाएगा, फिर आगे रोप पिटन लगाएगा, ठीक है, उस रोप को एंकर करते करते जाएंगे, क्लियर। सेकेंड पर्सन इसको बिले करता हुआ जाएगा, ठीक है, होगी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले जब जाएंगे तो हम बेस से ही लगाएंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक पिटन लगाएंगे, आप ऐसे घुमा रहे इसको, ऐसे घुमा रहे थे कुछ लोग, है ना, आपके हाथ से छूट गया है, नीचे आएगा, फिर आपकी क्लाइंबिंग खत्म वहीं पे जहां पे गिर गया है, ठीक है। जब भी पिटन लगाना है, होल्ड करना है, तो इसको राइट हैंड से ऐसे होल्ड किया और लेफ्ट हैंड के बीच में यहां पे रख दिया, ठीक। फिर इसको क्या किया, पाम से प्रेशर देना है ऐसे, ठीक है, ऐसे नेट नहीं घुमाना है, नेट घुमाएंगे तो ये नहीं लगेगा वहां पे, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ेगा तब ड्राइव होगा, ड्राइव होगा। फिर बॉल के कैसे लगाना है, अगर बॉल ऐसी है कितना लगाना है, 92-95 डिग्री में, ठीक है, ऐसे लगाएंगे तो क्या होगा, फिर इसका फॉर्म हो जाएगा अंदर, है ना, ठीक है। स्नो स्टैक लगाते हैं, स्नो पे जब एंकर, फिर सेल्फ एंकर, सेल्फ एंकर। सबसे पहले सेल्फ एंकर, फिर रोप पास की जाती है, फिर रोप को खींच लिया जाता है, आगे खींचो, पुल किया जाएगा, बिले लूज बोला जाएगा, बिले लूज। और जो फ्लीट क्लाइंबर है वो क्या करेगा, पूरी की पूरी रोप अपने पास क्या करेगा, कॉइल करेगा, ठीक है। जब ऐसे जब रोप आगे से जा रही है तो फिर क्या करेगा जो सेकंड क्लाइंबर है, क्लियर? यस सर। ये क्लाइंबिंग रोप बहुत कॉस्टली है तो इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अब तो जब एंड में थोड़ा सा पार्ट बच जाए, कितना, 2 से 3 मीटर लेफ्ट बच जाए, तो सेकंड क्लाइंबर क्या बोलेगा, थोड़ा सा और खींचो, सेकंड क्लाइंबर बोलेगा 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर रोप लेफ्ट। तब जो लीड जो आगे रोप फिक्स कर रहा है वो क्या करेगा, वहां पे एक एंकरिंग नॉट लगाएगा और उस रोप को वहां एंकर करेगा, ठीक है। अब क्या करेगा, सेकंड क्लाइंबर उस एंकर तक जुमार लेके जाएंगे, सेल्फ एंकर लगाओ पहले। जब लग यहाँ पे अगर आप लोग हाई अल्टीट्यूड में है तो यहाँ पे जुमार के आगे लगाते हैं सेल्फ एंकर, क्यों, ठीक है, वॉच चल लेफ्ट साइड, और वहां पे जब सेकंड क्लाइंबर वहां पहुंचेगा तो क्या करेगा, डेविल थोड़ा इधर हो जाओ बोला, इस तरह तो जो जुमार है वो नॉट के क्लोज नहीं ले जाना आप लोगों,
ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक में भी बताया गया ये जुमार इतना क्लोज ले जाएंगे तो फिर लॉक हो जाएगा, निकलेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा इसको स्लाइड करना है आगे जब निकालेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, सेकंड क्लाइमर अपना सेल्फ एंकर आगे लगाएगा, ओके, सेल्फ एंकर, जब सेल्फ एंकर लगाएगा उसके बाद अपना जुमार खोलेगा, जुमार साइड में, उसके बाद जो फर्स्ट क्लाइमर जो लीड क्लाइमर जो रोप कॉइल किया है वो उसको देगा, ठीक है, और जो जो रोप लीड क्लाइमर के रोप पकड़ो बल्दे भी लगते उस जो लीड क्लाइमर के हार्नेस वाली रोप है आगे से, अब जो आप लोग खुद रोप कर रहे तो वो रोप वहां पे लगानी है, उस रोप से क्या करना है, बिले करना है, ठीक है। जब डिलेयर रेडी होगा तो लीड क्लाइंबर क्या बोलेगा, आज क्लाइंबिंग, समझ में आ रहा कि कैसे करना है आपको, ये टेक्निक आपको ये प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे इस वो को करना है, ठीक है। हर बार जब आप लोग यहाँ पे रोप एंकर करनी है, जब तक रोप एंकर नहीं होगी तब तक सेकंड क्लाइमर आगे मूव नहीं करेगा, फर्स्ट क्लाइमर बोलेगा उसको रोप इज एंकर्ड, रोप एंकर होगी तब वो उसमें जुमार अटैच करेगा, सेल्फ एंकर लगाएगा, फिर आगे मूव करेगा, ठीक है। दूसरे एंकर के सेक्शन में जब ज्यादा स्टीप होता है तो 15 से 20 फीट का ही गैप रखते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा गैप नहीं बनाते हैं, वो सेक्शन देखिए आप स्टीप है ग्रेडियंट कैसा है, डाउन है तो थोड़ा लंबा सा रखेंगे, लेकिन ज्यादा ये तो 15 से 20 फीट बहुत ज्यादा होता है, एक पिटन से दूसरे पिटन के बीच में, दो एंकर के बीच में, ठीक है। और एक एंकर पर हमेशा दो लोग नहीं रहेंगे, जब भी क्लाइम करोगे जिस भी जगह पे तो एक एंकर पे हमेशा दो लोग नहीं रहेंगे, ठीक है, ओके, यहीं पे लगाओ। और जब यहाँ पे लग, कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे जब लगा रहे तो आपको नहीं लग रहा क्रैम्पॉन के लिए, मुझे खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप, एक्स से एक स्टेप काट सकते हो, ठीक है, जब जो नीचे वाला लेग जो फ्लैट फुट रखा हुआ लगा हुआ फ्रंट आप लोगों का, तो इसके लिए मुझे जगह नहीं देता, लोग इसको पूरा ऊपर तक लगाना, ठीक है, अगर आधा लगाओगे तो ये कोई चांस नहीं है इसका कि फर्म होगा कि नहीं होगा, इसलिए इसको लगाना है नेक तक, क्लियर, ठीक है। जब वो सेल्फ एंकर हो गए उसके बाद क्या करना है, फिर से वो रोप पुल करेंगे पूरे का पूरा रोप जितना भी है, ठीक है। जब भी जुमार लगाएंगे पहले टेंशन में लाएंगे उस रोप, ठीक है, पूरा टेंशन में, उसके बाद सेल्फ एंकर लगाया और फिर आगे मूव किया, क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा वहां पे, सेल्फ एंकर आगे शिफ्ट करेगा, रोप फिक्स हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसा भी होता है कई बार क्लाइमर का हेल्प मिल रही है, अगर कई बार क्या होता है आप लोगों का दूसरा किचन स्टाफ जाता है वो लाए नहीं होते क्रैम्पॉन, है ना, तो वो क्या करेगा उस सेक्शन में, क्या उसको सपोर्ट मिल रही है, जुमार लगा लिया वो पर चला जाएगा, है ना, हो गया फायदा, अब जो लोग क्रैम्पॉन टूटे हैं, है ना, एक टूट भी गया तो रोप फिक्स कर दिया, चलो भाई ऊपर जाके आपको, है ना, ठीक है। आप लोग ये चीज ध्यान रखना, जब आगे लीड क्लाइंबर है उसकी हार्नेस से रोप पकड़नी है, अपने वहां से नहीं रोप पकड़नी, हार्नेस से रोप पकड़नी वो लगानी है आपने उसमें एंकर में, ठीक है, पीछे वाली रोप नहीं है वो पता नहीं अब कितना ज्यादा स्लैक होगा, अगर आप लोग जितना हार्नेस के पास से रोप पकड़ेंगे हो सकता है 4 फीट के बाद उसका फॉल हो जाए, तो उतना ही फॉल हो जाएगा ना, वो इधर ही घूमेगा, अगर बीच में कहीं से रोप उठा के लगा लिए वो तो नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है। हर चीज आप लोग ध्यान में रखना है इस चीज को कि जब भी क्लाइंब करते तो माइंड कैसा रखना है, कूल माइंड, और हर चीज को रीचेक करना है,
माउंटेन में कभी भी वो नहीं मिलता है, दोबारा चांस नहीं मिलेगा। एक बार गलती होगी तो फिर ओके। जब भी आप लोग चाहे प्रिपरेशन हो, जिसको क्लाइंबिंग प्रोटेक्शन में आप लोगों को कल भी बोल रहा था, क्लाइंबिंग प्रोटेक्शन मीन्स होता है कि आपका हर एक इक्विपमेंट, चाहे आप क्रैम्पॉन यूज कर रहे हो, क्लाइंबिंग बूट कर रहे हो, हार्नेस आपने लगाई है ठीक है, स्लिंग आपने कैसे लगाई है, किसकी निकली थी कल वो, उसमें एक्स से निकल रही थी ठीक है, आपकी नॉट कैसे लगी है, नॉट सबसे जरूरी है आप लोगों के लिए है ना, नॉट नहीं निकली थी, वो चीज एक बार चेक करना है कि आपका ठीक है प्रोसेस है। मैं रैपलिंग कर रहा हूँ, डिसेंडर से रोप पास है, एंकर सही है, लगा हुआ है ना, बिलेयर ठीक है, सब कुछ। वो आप रीचेक, एक रीचेक के बाद ही नीचे भेजना है किसी ने भी, या खुद भी आना तो एक रीचेक मानना, ऐसे नहीं आना है उसके। ओके क्लियर सर, आपका इक्विपमेंट कैसा है तो हाँ। जब ये वर्टिकल सेक्शन में 3 से 4 फीट का हम स्लैक देते हैं, लेकिन जब हम लोग हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाते हैं तब बिल्कुल भी वो स्लैक नहीं देते, बहुत कम स्लैक होता है ठीक है। वो क्यों? क्योंकि वो पीछे ना आ जाएगा, हो सकता है आप ये ओवरहैंग से वो कर रहे हैं, इस टाइम अगर आप लोगों ने इसमें स्लैक दे दिया तो 4 फीट नीचे आ जाएंगे आप, इस टाइम तो भी उसमें स्लैक नहीं देते। लगाएंगे तो कितना पीछे आ जाएंगे, कितना स्लैक है सेल्फ सेंटर में, सेल्फ सेंटर तो लगा ही रहेगा इसमें, साथ में लगाएंगे ये हार्नेस वाला कैराबिनर डेविल, जो हार्नेस हो गया, जो हार्नेस में जो कैराबिनर है ना वो भी अटैच करो इस रोप में आगे वाले में, देखो ये कितना स्लैक तभी इतना ज्यादा पड़ गया। ओके सेल्फ एंकर शिफ्ट करो ठीक है, लेकिन अब क्या करेंगे, वही प्रोसेस वापस चलेगा रिपीट, और डेविल डेविल वापस आ जाओ करो, जब वापस आना तो यही प्रोसेस करना आप लोगों को, रहेगा याद आप लोगों को है ना। सैंड पेंकर लगा, ये भी निकालो हार्नेस से, अब ये निकालो क्लाइंबिंग में माउंटेनियरिंग रोप फिक्स करना, और ये रोप फिक्स कर सबको आनी चाहिए, किसी को रोप फिक्स में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आप लोग हम मुझे नहीं आता, उसको ज्यादा ही वो करेंगे हम लोग लगाएंगे, तो कई लोगों के पास था ही ऐसा कल आया हुआ, तो लगा रहे थे जोर लगा रहे थे लेकिन ये नीचे जा ही नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि ये यहाँ से ब्लंट हो गया, अगर आप ऐसे स्टीप सेक्शन में लगाओगे ना बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी ठीक है, इसी को बोलते हैं क्लाइंबिंग प्रोटेक्शन, ये चीज आपको चेक करनी है पहले ठीक है। कई बार क्या होगा ये वाले प्लेट इसकी अलग ही हो जाएगी, निकल जाती है, हर चीज देखनी है ना ठीक है, आ गया समझ में। चल फ्रेंड रोप में लगा, रोप में यहाँ आके क्या करेगा, सेल्फ एंकर यहाँ लगाओगे, एंकर अपने आप को सेल्फ एंकर करना है ठीक है। सेल्फ एंकर के बाद इससे क्या करना है, वो आगे वाली रोप कॉइल करनी है पीछे, करना ना एंकर, जब लास्ट टाइम पे पहुंचता है ना बिल्कुल ही लूज होता है, उस टाइम क्या करना है यहाँ पे पकड़ के रखना इसको ठीक है,
नहीं तो क्या होगा, ये वहीं से छूटेगा और क्रेवास में घुस जाएगा, क्योंकि ऐसे सेक्शन में बहुत ज्यादा ज्यादातर आप लोगों को क्रेवास ही मिलेंगे जब भी ग्लेशियर में या मिलती है, ठीक है। जब भी आप मार्केट में खरीदोगे, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, पीओपी रोप होती है ना सर, हार्डवेयर की शॉप में मिल जाती है, हार्डवेयर वालों के पास ही मिलती है, वो आपको किलो के हिसाब से मिलती है, ठीक है। ये वाली जो रोप है क्लाइबिंग रोप, आपको मीटर्स के हिसाब से मिलती है, ठीक है। तो उस रोप का क्या है, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है, उसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी यही 600-700 केजी होगी, ठीक है। इसकी तो कितनी है, 1800 से 2200 बोलो यार, 2000 से 2400 के बीच में होती है, ठीक है। इसका जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इस रोप के ऊपर लिखा होता है, जब आप लोग नई एकदम नई मार्केट से खरीद रहे हो, तो इसका डायमीटर भी लिखा होगा, इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी लिखी होगी और इसकी लेंथ भी लिखी होगी कि ये कितने मीटर की लंबी है, ठीक है, या 45 मीटर की है, 50 की है, 60 मीटर की, ठीक। और जो आप लोग फिक्स रोप लेंगे वो एक पूरा रोल मिलेगा, जितना आपको फिक्स करना है जहां तक वहां से आके काट दो, ठीक है। हम लोग भी जब करते हैं क्लाइंबिंग तो हम लोग रोल ले जाते हैं, जितना लग गया लग गया, बाकी काट दो। कई बार हमने यूज